राजेश पोखरा, अभी गुड़गांव से आए हम, उसे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आज कहे का स्नान है और क्या मंगा मौसम? आज बैसाखी का स्नान है, बैसाखी है, विक्रम संवत का नया साल है आज। सब सुख शांति रहती है घर पे, नहाने से मन पवित्र होता है, शरीर हल्का होता है, सब पाप धुलते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत परमात्मा बहुत सबको सुख शांति देता है, बहुत सुख शांति रहता है, शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बंदा। गंगा नहा उत्साह, बहुत खुशी होती है। देखो आप कितनी भीड़ लग रही है, कितने सारे हिंदू पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है हिंदू का। पुलिस प्रशासन ठीक है उत्तराखंड का, कुल बहुत बढ़िया। आज मैं बबीता, आज यहाँ बैसाखी का स्नान है, वही करने में परिवार के साथ यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया हम सबको शीतलता प्रदान करे, शांति दे, धन्यवाद। बहुत बहुत इतनी ठंड के बावजूद यहाँ बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और हमें भी बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे स्नान करके। बस गंगा मैया हमें शीतलता दे, हमारी बुद्धि में अच्छे विचार उत्पन्न करे, बस इतनी है। सबके लिए स्वास्थ्य निरोगता ये प्रदान करे माँ गंगे मैया।
आज क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार जी, आज कौन सा स्नान है, कैसा लगा स्नान करके? ये बैसाखी का नहाना है, हम पंजाब से आए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। हो गया स्नान? हाँ जी। क्या गंगा माई का स्नान था, वो हमने कर लिया। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया लगा, गंगा माई के दर्शन हो गए इसमें। यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं पाम रखने के लिए जगह नहीं है, बहुत दूर दूर से जनता आ रखा है स्नान के लिए आता है। रास्ते में तो सब ठीक ठाक ही है, चलता रहता है, थोड़ा तंगी तो आती है। गंगा मई बोलती है जितनी तंगी लेगा उतना ही आराम पाएगा।